पुणे में 2 करोड़ की लग्जरी कार से 2 इंजीनियर्स को रौंदने के मामले में तफ्तीश तेज। नाबालिग आरोपी पर पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने की धारा लगाई। कुछ देर बाद जुवेनाइल कोर्ट में पेशी। मामले में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हैरान करने वाला जुवेनाइल बोर्ड का फैसला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, सभी को बराबर का न्याय मिलेगा। आरोपी की उम्र को लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आखिरी फैसले का इंतजार। बालिग बताने के लिए पुलिस ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी है। नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट की आज सरकारी अस्पताल जारी करेगा रिपोर्ट। आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने लॉकअप में भेजा। आज क्राइम ब्रांच विशाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश करेगी। 3 आरोपियों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुणे कांड के बहाने राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। बोले, 2 हिंदुस्तान बन रहे, एक गरीबों का एक अमीरों का। बिल्डर के बेटे को बचाने के आरोप में घिरे अजीत पवार की पार्टी के विधायक सुनील टिम्परे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए सियासी घमासान तेज। फिल्मी गाने रिंकिया के पापा को लेकर मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल में वार पलटवार। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी बोले, हम चाहते हैं रिंकिया के पापा जीते। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लगाया संगीन आरोप। कहा, उलुबेरिया और जंगीपारा में महिलाओं से हुई है छेड़खानी। बीजेपी पर अभिषेक बैनर्जी ने बोला हमला। कहा, उनकी सरकार ने बंगाल के लोगों के खिलाफ रची संदेश खाली की साजिश। स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव को लेकर मुंबई से वापस लौटी दिल्ली पुलिस। कल की मोबाइल डेटा रिकवर करने की कोशिश। एक दिन पहले ही विभव कुमार को मुंबई लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। स्वाति मालीवाल से दिल्ली के LG ने फोन पर की बात। LG ने स्वाति मालीवाल की घटना पर दुख जताया। कहा, पूरी कोशिश करेंगे न्याय दिलाने की, आरोपी को मिलेगी सजा। बीजेपी नेता शाहजा अलमी ने LG के बयान के बाद फिर दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, 8 दिन बाद भी चुप्पी क्यों। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LG पर किया पलटवार। पूछा, पहलवान बेटियों के आरोपों को लेकर दर्ज FIR पर आप क्यों चुप रहे। सौरभ भारद्वाज ने LG से कहा, थोड़ा अपने गिरबान में भी झांकिए। बीजेपी नेता सुभाष चतुर्वेदी का केजरीवाल से सवाल। कहा, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरे केजरीवाल। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सिसोदिया। बिहार के सारण में चुनाव के बाद हिंसा, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद। रोहिणी आचार्य का बयान, डरी हुई है बीजेपी। FSL की टीम ने सारण में हिंसा वाली जगह पर की जांच पड़ताल, इकट्ठा किए सबूत। सारण हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा आरोप। बोले, वहां दंगे करवाने की साजिश थी। प्रकार से उम्मीदवार की उपस्थिति में ये भड़काया गया और जिस प्रकार से वहाँ दंगा कराने का प्रयास किया गया, ये अत्यंत ही बहुत ही लोमहर्षक है। प्रकार से उम्मीदवार की उपस्थिति में ये भड़काया गया और जिस प्रकार से वहाँ दंगा कराने का प्रयास किया गया, ये अत्यंत ही बहुत ही लोमहर्षक है। कारण में हुए हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। बोले, RJD वाले हताश, माहौल खराब करने की कोशिश। बस्ती में अखिलेश यादव का सीएम योगी परिवार। बोले, मुख्यमंत्री को नहीं आती गणित। 400 पार से दूर 143 सीटों के लिए तरस जाएगी बीजेपी। आजमगढ़ में अखिलेश की रैली में बेकाबू भीड़ से मची भगदड़। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लगाई लाठी। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य का कंगना पर तंज। बोले, वो कॉमेडियन को दे रही है टक्कर, अब उनका एंटरटेनमेंट खत्म। विक्रमादित्य सिंह के बयान को लेकर कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, किया पलटवार। मैं अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मंडी की लड़कियों के भाव पूछे, मैं तुम्हारी बहुत दुर्दशा करूंगी कि तुम सब्जी मंडी के भी सब्जियों के भाव पूछना भूल जाओगे। आज पीएम मोदी के कई चुनावी कार्यक्रम। यूपी और दिल्ली में जनसभा कर पीएम भरेंगे जीत का दम। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे बस्ती। दोपहर 2:30 बजे श्रावस्ती में रैली को करेंगे संबोधित। शाम करीब 6 बजे दिल्ली के द्वारका में करेंगे रैली। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की बांकुरा में रैली। अमित शाह के रोड शो में करेंगे शिरकत। आज बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनावी रैली। कई कार्यक्रमों में मिलेंगे हिस्सा। आज पंचकुला में संविधान सम्मान सेमिनार का आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे शिरकत। दिल्ली सरकार का हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, 25 मई की वोटिंग से पहले बीजेपी ने हरियाणा से आने वाला पानी रोक दिया। तक हरियाणा धीरे 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 करके दिल्ली का पानी रोक रही है।
11 मई से। अंबाला में बीजेपी एमएलए अनिल विज को किसानों ने घेर कर पूछा सवाल कि किसानों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। विज के जवाब पर किसानों ने एफआईआर दर्ज करवाने को कहा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर महंत राजदास की प्रतिक्रिया, कहा कांग्रेस की मानसिकता राक्षसों। हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने कहा उपचुनाव होने के पीछे बिके हुए विधायक है कारण, ईमान बेचकर जनता के साथ किया धोखा। आंध्र प्रदेश के लंडौर में हादसे का शिकार हुई बस, घटना में एक की मौत कई जख्मी। नोएडा में एक सरकारी अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। बिहार की सीतामढ़ी में ट्रक और टेम्पो में टक्कर, 3 लोगों की गई जान। पुणे में कालसी गांव के करीब उजनी डैम में डूबी नाव, उस पर सवार 6 लोग लापता, तलाश में रेस्क्यू टीम। उजनी नदी में हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंची शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले, घटना की जांच की मांग। मुजफ्फरनगर में झाड़ फूंक के चक्कर में एक महिला ने दी भतीजों की बलि, आरोपी मां और चाची गिरफ्तार। झुंझुनू में बदमाशों का पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस, व्यापारियों से माफी मंगवाई, मर्डर करने वालों को गांव में घुमाया। चारधाम में रजिस्ट्रेशन के नाम पर फ्रॉड का दून पुलिस ने किया पर्दाफाश, यात्रियों ने दर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस की सराहना की। कोटा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, ससुराल पक्ष पर परेशान और प्रताड़ित करने का आरोप। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से गोलीबारी में हिस्ट्री शीटर जख्मी। कानपुर में लड़की के पिता पर उसके प्रेमी को अगवा कर उसकी हत्या का इल्जाम, आरोपी पिता समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में वोटिंग को लेकर 2 घरों में झड़प, मारपीट में 1 व्यक्ति घायल। उत्तर प्रदेश देवरिया में दारोगा की पिटाई से युवक की मौत, घटना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। एम्स के ऑपरेशन थिएटर में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, हड़ताल और हंगामे के बाद नर्सिंग अधिकारी गिरफ्तार। दिल्ली का पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा, आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए पूरे उत्तर भारत में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच बढ़ गई बिजली की खपत, डिमांड पूरी न होने से जगह जगह हो रहा है पावर कट। केरल तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, केरल में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। कर्नाटक के कोडागु में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भारी जलभराव। तमिलनाडु के करूर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर भरा पानी, यातायात व्यवस्था प्रभावित। सूरत में एक युवक की हत्या को लेकर लोगों ने ओवरब्रिज किया जाम, पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को पाया काबू। कोटा में रेलवे अफसर क्लब के स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। पटना में नाले में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, पुलिस वाहन को लोगों ने लगाई आग। गोरखपुर में चाचा भतीजे एक साथ गई जान, मामूली बात पर दोनों ने खाया जहर। भावनगर में तालाब में हादसा, 4 लड़कियों के डूबने से मौत। बारामती में यात्रियों को ले जा रही नाव पलटी, 7 लोग लापता, तलाश अभियान जारी। जयपुर में मोबाइल की लत पर मां ने बेटी को टोका, झगड़े में गई बेटी की जान। प्रयागराज में सड़क पार कर रही महिलाओं को तेज रफ्तार ओमनी ने मारी टक्कर, 3 महिलाओं की मौके पर मौत। हरिद्वार पुलिस ने 48 घंटे में किया बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, सगी पोती निकली मास्टरमाइंड। एमपी रीवा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने बेरहमी से की महिला की पिटाई, 6 आरोपी पर केस दर्ज। ग्वालियर में जितरद सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की कंपनी के साथ धोखाधड़ी, पुलिस ने शुरू की 12 लाख की ठगी की जांच। मध्य प्रदेश के रीवा में लूट के आरोपियों पर टूटा ग्रामीणों का गुस्सा, जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया वीडियो वायरल। दतिया में एक लड़की से फेसबुक पर दोस्ती का शारीरिक शोषण का आरोप, शादी का वादा कर आरोपी फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में साई बाबा के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु से भरी बस कंटेनर से टकराई, 18 जख्मी।